लिनोवो आइडियापैड का ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, ये मेरे पास डेड बंद हालत में आया है। इसकी रिपेयरिंग हम देखेंगे कैसे करनी है, ठीक है। ऐसे देखने में फिजिकली हर एक पार्ट्स ओके लग रहे हैं यहाँ पर, और बैक साइड में भी आईसीज ओके लग रही है। एडेप्टर की जगह पे हम 19 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ से देंगे। ये 20 वोल्ट का एडेप्टर होता है, इसमें हम 19.2 वोल्ट दे रहे हैं। देख सकते हैं ये मैंने डीसी जैक इनपुट जहाँ पे 20 वोल्ट आते हैं एडेप्टर से, वहाँ पे मैंने व्हाइट वायर लगा रखा है। ब्लैक वायर पावर सप्लाई से डायरेक्टली हमने ग्राउंड पे लगा दिया है। 19 वोल्ट सेट किया हुआ है और 6 एम्पियर सेट किया है। जैसे ही ऑन करते हैं क्या होता है देखते हैं। कौन सा पार्ट्स खराब है वो चेक करने के लिए हम ये थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आउटपुट। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या बताता है। मैंने ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 730 मिली एम्पीयर का करंट बता रहा है। इसमें ये आईसी गर्म हो रही है, ठीक है। लिनोवो की ये रेगुलेटर आईसी है, चेक करेंगे कि ये कितने वोल्ट का रेगुलेटर है, उसके हिसाब से हम बक कन्वर्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर 45 डिग्रीज के करीब, 46 डिग्री, ये टेम्परेचर बहुत अधिक है। कॉइल को ओपन करके हम दो भाग में इस फॉल्ट को विभाजित करेंगे। दो हिस्से हैं, एक तो जो आईसी से लिंक करता है और एक जो आउटपुट साइड जहां जा रहा है ये। अभी हमें चेक करना हो आईसी गर्म क्यों हो रही है, वो देखने के लिए हम पहले डायोड टेस्ट की रीडिंग लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी आउटपुट डिस्कनेक्ट कर रखा है, आउटपुट का बटन हमने ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ सीवी वाली जो ग्रीन लाइट है वो नहीं जल रही है, ठीक है। इस समय पे 19 वोल्ट बोर्ड में नहीं जा रहे हैं। डायोड टेस्ट की रीडिंग हम कोल्ड टेस्ट में कर रहे हैं, आउटपुट जो कॉइल है उसके आउटपुट पे यहाँ हम डायोड टेस्ट की रीडिंग 00 की देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बोर्ड शॉर्ट है। ये लाइन कितनी बता रही है, 0.061, मतलब ये शॉर्ट नहीं है। ये कॉइल का आउटपुट या तो आईसी शॉर्ट हो सकती है, या आउटपुट जहाँ पर ये जा रहा है वो शॉर्ट हो सकता है। वो दोनों को चेक करने के लिए किस साइड से फॉल्ट है, क्या ये रेगुलेटर आईसी की साइड से फॉल्ट है या आउटपुट जहाँ पर ये जा रहा है वहाँ से, उसके लिए हम कॉइल को निकालेंगे। हमारे पास दो हिस्से हैं, एक जो रेगुलेटर आईसी की तरफ है और एक हिस्सा है आउटपुट जहाँ पे ये जा रहा है। अभी हमें देखना है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। आउटपुट की साइड में शॉर्टिंग है, रेगुलेटर साइड में नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 00 की रीडिंग आउटपुट एरिया में दिख रही है। अभी हमें देखना है कि किस साइड में ये जाके शॉर्ट हो रहा है, कहाँ पर है ये फॉल्ट, वो देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे कितना आना चाहिए इधर। मैं आउटपुट कनेक्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कितने वोल्ट की ये लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1.2 वोल्ट की लाइन है। इस मीटर को मैं करंट की रेंज में रख दूंगा, पहले हम एम्पियर में रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी एम्पियर की रेंज हमने रखी हुई है। वोल्टेज को हम अभी सेट कर देंगे 1.2 वोल्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट हमने परफेक्ट सेट किए हैं। 6 एम्पियर का ही करंट रखेंगे और देखेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। माइनस वायर मैंने यहाँ टैग कर रखा है और प्लस वायर हम मल्टीमीटर के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करेंगे। इनपुट एंड होगा करंट में और जो आउटपुट होगा हमारा निकलेगा 1.2 वोल्ट, वो ब्लैक वायर से निकलेगा। स्पार्किंग टेस्ट से हम देखेंगे, पहले हम आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज आउटपुट अब आ चुका है 1.2 वोल्ट, इसमें से इस पावर सप्लाई से पॉजिटिव वायर के थ्रू, यहाँ पर मल्टीमीटर के थ्रू, यहाँ पर नेगेटिव वायर पर मेरे 1.2 वोल्ट आ रहे हैं। और हमें अभी करंट देखना है कि कितना है और कहां पर ये शॉर्टिंग है देखने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2.7 एम्पियर के करीब का करंट है। अब ये कांस्टेंट करंट देंगे हम, यहां पे टेम्परेचर है 54 डिग्री, तो हमने कंफर्म पता लगा लिया कि शॉर्टिंग यहाँ पर प्रोसेसर में है। ये चिपका हुआ रहता है, इसे निकालना होगा बिकॉज हीट नीचे से जो हम दे रहे हैं वो पूरी की पूरी ये हीट सिंक खा जाएगी और आईसी के जो बॉल्स हैं वो मेल्ट नहीं होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, बीजे पेस्ट यूज़ करके हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे।
इस टाइप के प्रोसेसर के लिए हीट प्रोफाइल जो होती है कोई भी शेयर नहीं करता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हीट प्रोफाइल क्या रहेगी इस टाइप की प्रोसेसर को निकालने के लिए। तो यहाँ पे अभी आप एम्पियर देख सकते हैं कम हो चुका है, शॉर्टिंग हमारी रिमूव हो गई है। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आउटपुट शॉर्ट था जहाँ पर हमने जो चेक किया था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.99 वोल्ट आ रहे हैं, ये आउटपुट बनने लगे अभी। ये आईसी गर्म हो रही थी तब, और हमने जब चेक किया था अभी बिल्कुल ठंडी है, बिकॉज इसका आउटपुट जो शॉर्ट था 0.0 से वो प्रोसेसर से शॉर्टिंग थी, और वोल्टेज आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट ये आ चुके हैं। यहाँ पे ये लाइट आ चुकी है, और इसमें प्रोसेसर खराब थी, हमने सॉल्व करके बताया आपको। इसमें अब नई प्रोसेसर लगेगी तब जाके बोर्ड ठीक होगा।